Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram. रामावतार के समय एक बार देखा तो था इन्हें, वही वानर आकृति है, शरीर से कैसा तेज निकल रहा है। जय श्री राम। आश्चर्य है, इतना समय बीत जाने पर भी यह प्रतीत होता है जैसे अभी यौवन में प्रवेश किया हो। जय श्री राम। हे वानर श्रेष्ठ, मैं विनेता पुत्र गरुड़ हूं, लोक प्रकाशक भगवान सूर्य के सारथी अरुण मेरे अग्रज हैं। राम नाम में विघ्न डालने वाले कौन हो तुम? मैं कश्यप पुत्र गरुड़। श्री राम क्षमा करें, पक्षीराज, हे वैंते, आपको कोई क्षति तो नहीं पहुंची? मैं जगतपति का भार उठाता हूं, मुझे क्षति पहुंचा सके ऐसी कोई शक्ति संसार में नहीं है। निसंदेह आपकी शक्ति से कौन परिचित नहीं है, आप भगवान के प्रिय भक्तों में से हैं, आप पर उनकी विशेष कृपा रहती है। आज आपके पुनः दर्शन करके हृदय शीतल हो गया। आइए कुछ देर राम नाम का संकीर्तन करते हैं। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम श्री राम राम। ये संकीर्तन करने का समय नहीं है। राम श्री राम राम। भगवान श्री कृष्ण ने आपको तत्काल ले आने का आदेश दिया है। किसने आदेश दिया है? द्वारकाधीश यदुकुल भूषण हमारे स्वामी श्री कृष्ण ने। मुझे उनसे क्या काम? क्या काम? वे परात्पर ब्रह्म गोलोक के स्वामी श्री कृष्ण हैं। क्षमा करें, मैं तो अपने प्रभु श्री राम का दास हूं, उनके अतिरिक्त मैं किसी और को नहीं जानता। हे वानर, चिरंजीवी आप अवश्य हो गए हैं, किंतु आप निरे वानर ही रहे। देखिए, स्वेच्छा से चलिए, अन्यथा आपको बांध कर ले जाने के लिए मेरे पास पाश भी हैं। बोलिए, चलेंगे कि नहीं? होइए सोही जो राम रचि राखा। बहुत हो गया, लगता है अब गरुड़ पाश का प्रयोग करना ही होगा। श्री राम।
जय श्री राम। उन्होंने आने से मना कर दिया। नाथ, आप तो उनके गुण गाते नहीं थक रहे थे, किंतु आपके भक्त शिरोमणि तो बड़े ही अहंकारी सिद्ध हुए। भूल मेरी ही है। आप हनुमान से जाकर कहिए कि श्री राम उनका स्मरण कर रहे हैं। स्वामी वे बड़े ही उद्दंड हैं। निश्चिंत रहे पक्षीराज, राम का नाम सुनकर वे दौड़े चले आएंगे, और यदि ना भी आए तो इस बार आप उन्हें बल पूर्वक ले आइएगा। ऐसे भी आपके बल और गति के आगे कोई क्या ठहरेगा पक्षीराज। श्री राम, श्री राम। हे कपीवर, प्रभु श्री राम द्वारका में आपका स्मरण कर रहे हैं। आप धन्य हैं पक्षीराज, मेरे प्रभु श्री राम का संदेश लाने वाले। हे विनते, आप सदैव प्रभु के प्रिय बने रहें। जय श्री राम। प्रणाम सूर्यदेव। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन जागर। भूकंप आ रहा है, सभा टोल क्यों रही थी प्रभु? किंतु प्रभु और रुक्मणी दीदी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। प्राणवल्लभ, कहीं आपने असमय प्रलय लीला तो नहीं आरंभ कर दी? नहीं प्रियतमा, ना तो भूकंप आ रहा है और ना ही प्रलय। तो फिर भक्त शिरोमणि आंजनेय हनुमान आ रहे हैं।